हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे एति का आगे मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके जो कि होने वाला है मीशो से क्योंकि पार्टी सीजन चल रहा है वेडिंग सीजन चल रहा है और वेडिंग में एथनिक ना पहना तो क्या पहना है इस तरीके से हो जाता है ना तो एथनिक में इस वाले हॉल में ना सात टोटल सात कुर्ता सेट्स होने वाले थे बट क्योंकि मीशो ने अपना घपला किए बिना रह नहीं सकता फर्स्ट टाइम वैसे मेरे साथ ऐसा हुआ है कि ऐसा किया उन लोगों ने मेरे साथ बट कि क्या किया उन्होंने कि मैंने ना दो कुर्ता सेट्स मंगवाए थे ठीक है दोनों अलग अलग है ऑफकोर्स तो उन्होंने वो दोनों के दोनों कुर्ता से एक जैसे ही भेज दिए हैं तो सात के बजाय आज का हॉल छ का होने वाला है क्योंकि एक तो रिपीटेड आइटम हो जाएगा हमारे पास तो छः में से अगर आप लोग देखोगे ना तीन चार आइटम ऐसे हैं जो आप पार्टी वेयर में वे आराम से पहन सकते हो बहुत ही अमेजिंग प्राइस में आप लोगों को मिलने वाले हैं और अच्छी सी क्वालिटी में मिलने वाले हैं दो अनारकली है और एक बेस्ट बाय मेरा एवर रहेगा इस हॉल में तो आज की वीडियो को शुरू सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक अनारकली से ब्यूटीफुल अनारकली से जो कि मैंने टील ब्लू कलर में मंगवा इसमें ना तीन चार चार पांच कलर्स अवेलेबल हैं और ऐसा होता है ना मीशो में कि आउट ऑफ स्टॉक बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है तो अगर किसी को पसंद आए तो फटाक से इसको परचेज कर लेना ये टील ब्लू कलर क्योंकि ऐसा हो गया था कि इसमें ना चेरी कलर या इसको बोलें एक महरून महरून एक मरून कलर बहुत ज्यादा अमेजिंग था इसके अंदर लेकिन क्योंकि चेरी कलर मैंने एक और ऑप्शन रखा हुआ है आज के हॉल में तो इसीलिए मैंने इसका थोड़ा सा कलर चेंज किया कि टील ब्लू कलर भी अच्छे लगता है आप लोगों को दिखाती हूँ मैं एल साइज़ मैंने इसमें मंगवाया था और हल्का सा लूज़ था वो आप लोगों को देखने में भी दिख जाएगा इस तरीके का आपको कुर्ता सेट मिलेगा जॉर्जेट का फैब्रिक है और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी के साथ आप लोगों को मिलेगा प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो अराउंड फिफ्टीन हंड्रेड के इसके प्राउ प्राइस रहने वाला है और स्लीव्स आपको मिलेगी फुल स्लीव्स और इस तरीके का आपको मिलेगा सीक्वेंस का वर्क इस तरीके का पिंक फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे और पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है स्लीव वाला साइज अभी था मुझे क्योंकि मेरे को लगता है मेरे को मीडियम साइज आता तो उसके हिसाब से मेरे को स्लीव्स का लेंथ भी सही से आ जाता और पैडेड नहीं है अगेन आप यहाँ का फ्लेयर देख सकते हो अच्छा खासा फ्लेयर इन लोगों ने दे रखा था और थ्री पीस कुर्ता सेट है हालाँकि बॉटम वेयर की जरूरत नहीं भी पड़ सकती है मतलब ऐसा है कि आप अगर ये और दुपट्टा लेते हो तो भी आप बिल्कुल रेडी टू गो हो जाओगे तो ये है हमारा आज का फर्स्ट कुर्ता सेट नीचे वाले साइड की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके का आपको हैवी वर्क मिल जाएगा देखने को और मतलब देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था साइड में आप वीडियो में देखना आप लोग बताना कैसा लगा आप लोगों को और साथ में आपको मिलेगा इस तरीके का इनर जो संतून फैब्रिक जो अगेन हर एक कुर्ता सेट में जो मीशो के होते हैं वैसा जो फैब्रिक होता है ना इनर वेयर का वो वाला फैब्रिक आप देखने को मिलेगा अच्छा खासा हैवी फ्लेयर के साथ हल्की हल्की बूटी आपको पूरे के पूरे कुर्ता सेट में मिलेगी और साथ में अमेजिंग सा ऐसा हो जाता है ना कि ऐसे पिंक और ब्लू कलर से कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा लग रहा था तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा परचेज़ मुझे ये लगा इस प्राइस रेंज में आप पहन सकते हो इसमें येलो कलर भी था पिंक कलर भी था ब्लू है एक और थोड़ा गंदा कलर भी था थोड़ा सादा जो भड़कीला सा कलर होता है वो वाला भी था आप देख सकते हो साथ में बात करती हूँ मैं इसका दुपट्टा सेट की तो दुपट्टा जो है हैवी दुपट्टा है पर नेट का है ये चीज़ आप लोग देख लेना दुपट्टा का ये वाला जो पोर्शन था ना मुझे कटआउट की डिटेलिंग वाला ये काफी ज़्यादा ऐसे अमेजिंग सा लग रहा था पहनने के बाद आप लोग देखना जब अपने साइड में लिया था तो ओवरऑल जब आप लुक देखोगे ना कुर्ता सेट के साथ इस दुपट्टा की बहुत ही प्यारी सी लुक आई थी हल्की हल्की आपको बूटे मिलेगी इस तरीके के फ्लावर्स जो रेड और मतलब कॉम्बिनेशन मुझे जो लगा ना इसका काफ़ी प्यारा सा लगा पिंक और ब्लू वाला है बॉटम वेयर की बॉटम वेयर का जो फैब्रिक था ना वो थोड़ा हल्का लगा मुझे और फिर मेरे को ऐसा भी लग रहा है कि इसको पहनेंगे ना पहनेंगे तो चल ही जाएगा इस तरीके का इलास्टिकेटेड वेस्ट मिल जाएगा आपको बहुत हल्का फैब्रिक है कौन सा फैब्रिक है ये तो मुझे याद भी नहीं आ रहा कि कौन सा है मेरे को पता भी नहीं है थोड़ा सा ऐसे पोलियस्टर टाइप का पेंट स्टाइल में आपको बॉटम वेयर मिल जाएगा तो बहुत सिंपल सा प्लेन सा नहीं पहनोगे तो भी चल जाएगा वैसे वाला बॉटम वेयर इसका होने वाला है तो ये था आज के हॉल का पहला डिज़ाइनर अनारकली कुर्ता सेट बात करती हूँ जिसके मैं बोल रही थी ना कि एक मेरे को अमेजिंग सा शरारा मिला उस शरारा की मैं बात कर लेती हूँ मेरे को ना इतना प्यारा और इतनी अच्छी फिनिशिंग के साथ मीशो से सच बता रही हूँ अभी तक कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिला इसको पहनने के बाद मुझे ऐसा लगा वाओ फिटिंग फिटिंग हल्की टाइट थी क्योंकि मैंने मीडियम साइज मंगा लिया था इसको मैं लार्ज में मंगाती ना ए वन मतलब गज़ब ये भी मेरे को अभी भी गज़ब लग रहा था और मेन बात अरे क्या है स्लीवलेस ये है लेकिन साथ में ना इसके स्लीव्स दे रखे हैं तो कोई लोग इसे कंफर्टेबल नहीं होते ना स्लीव्स बिना स्लीव्स के पहनने तो का तो स्लीव्स का ऑप्शन आपको मिल जाएगा अच्छे खा इन्होंने फैब्रिक दे रखा है बात कर लेते हो उसका सबसे अमेजिंग सबसे अमेजिंग पोर्शन नहीं इसका जो बॉटम वेयर है ना वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है इतना हैवी आप देखो ये वाला जो कुर्ता सेट है इसकी फिनिशिंग आप लोग देखोगे ना तो आपको और रियल मिरर वर्क है ऐसा फॉइल वाले नहीं है इस तरीके का कुर्ता सेट आपको मिलेगा मेरे को बड़ा ज़्यादा प्यारा लगा यार ये कलर बहुत ज़्यादा प्यारा था मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मेरे शब्द नहीं मिल रहे मुझे उसको एक्सप्लेन करने के लिए अब्रिक जॉर्जेट है इनर वेयर के साथ है और आपको ऐसे पार्शियली विजिबल और विजिबल का कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहने वाला है स्लीव्स अगेन मिल जाएंगी और अब चलते हैं नीचे वाले पोर्शन पे जो कि इसकी हाईलाइट थी यहाँ के पोर्शन पर आप देखोगे तो हल्का सा आपको कट मिलेगा फ्रंट स्लिट मिलेगा फ्रंट वाली साइड में और नीचे वाले पोर्शन में आप यहाँ पर देखोगे तो ये डिटेलिंग आपका दिल ले लेगी मतलब सच में बहुत ज़्यादा प्यारा लगा मुझे ये वाला जो ये जो डिटेलिंग थी इसकी लेसिंग की आई जस्ट लव दिस कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा प्यारा शरारा सेट ऐसे देख के मुझे ऐसे लगा यार ये मीशो से सच में ये वाली फील आएगी आप लोगों को तो ये था कुर्ती इसके ऊपर शरारा की और अब मैं शरारा भी दिखाती हूँ आपको आप बोलोगे कि इसकी भी फिटिंग इसका भी लुक और इसका जो स्टिचिंग है ना बहुत ज़्यादा अमेजिंग है लेयरिंग वाला जो होता है ना इस तरीके का वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा जॉर्जेट का फैब्रिक है पूरा का पूरा आपको इनरवियर के साथ स्टिच मिलेगा अब फ्लेयर देखना है एक बार इसका तो जबरदस्त वाला फ्लेयर आपको मिलेगा और ये जो पैटर्न था ना ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था इलास्टिकेटेड है फिटिंग ये वाली फिटिंग थी आई जस्ट लव दिस फिटिंग ओवरऑल मस्ट 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 बाय मतलब कहीं पे भी पहनोगे ना छा जाओगे सच बता रही हूँ दुपट्टा देख लेना है। कई लोग बोलेंगे दुपट्टा बहुत कम है बहुत छोटा है इस तरीके का बट यह दुपट्टा इसके साथ है न ऐसे क्योंकि यहाँ पे जब हम लेते हैं ना गले में लेते हैं तभी वो ज़्यादा प्यारा लग रहा था बल्कि मैंने साइड में लिया था तो भी मेरे को बुरा नहीं लग रहा था जॉर्जेट का फैब्रिक है लेंथ प्रॉपर है पूरी है और थोड़ा सा ब्रेड था आप देख सकते हो कई लोगों को कम लग सकती है बट मुझे तो ये फुलफिलिंग लग रहा था नीचे वाले साइड में हम चलेंगे तो इस तरीके की जो लेसिंग नीचे वाले साइड में थी ना इस तरीके की सीप की वो वाली आपको मिल जाएगी दोनों तरफ तो ये वाला दुपट्टा तो मुझे लगता है ऐसे ही काम आने वाला है बाकी आप लोग देख लेना कितना क्या पसंद आएगा बट मैं एक चीज़ श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो भी लेगा ना इसको परचेज़ करेगा वो इसको बिल्कुल मैं यही लाइन बोलती हूँ ना कि पछताएगा नहीं फ़ोर श्योर नहीं पछताएगा मैं अभी तक पता नहीं मैं और किसके लिए बोलूँगी बट फोर श्योर ये जो मेरा आज के हॉल का है ना हिट आइटम है मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुपर हीरो आइज हॉल का है सच बताऊँ तो मैं अब चलते हैं हमारे थर्ड आइटम के विच इज गोइंग टू बी एक बहुत प्यारा सा पिंक कलर का रानी पिंक कलर का अनारकली गाउन बोल लो ड्रेस बोल लो बट ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग है इसके ना पीसेस बहुत कम कम से रहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग अगर किसी को पसंद आए तो प्लीज़ इसको परचेज़ कर लेना मतलब बहुत ही अमेजिंग ये रहने वाला है ऐसे ये जो वे, वेडिंग सीजन जो चलने वाला है चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा अच्छा परचेज़ होने वाला है साथ में ये पैडेड है तो ये एक बहुत अच्छी सी बात है इसके अंदर कलर बहुत ब्राइट पिंक है बहुत प्यारा लग रहा था जो न्यूली वेड्स हैं और जो पार्टी पार्टीवेयर में काफ़ी चटक वटक रंग कलर जिसको पसंद है उनके लिए बहुत अमेजिंग परचेज होने वाला है इसमें तीन कलर्स अवेलेबल है करेंटली अदरवाइज इसमें पांच थे पर उसका ये लगा लो साइज चला गया है तो एक तो है इसके अंदर पीच कलर एक येलो कलर एंड एक ये पिंक कलर है तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हो इस तरीके की स्लीव आपको मिलेगी बहुत अमेजिंग फिट मुझे इसका आया था थ्री फोर्थ से थोड़ी सी लंबी है सीक्वेंस का वर्क आपको पूरी की पूरी स्लीव में मिल जाएगा फ्रंट वाले पोर्शन पर मिल जाएगा इस तरीके की बूटी काफ़ी बड़ अच्छा खासा इसका घेर दे रखा है जिसे देखने में पहनने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और इतनी ज़्यादा लेंथ है इसकी कि बॉटम वेयर नहीं भी पहनोगी तो चलेगा पिंक हालाँकि इसमें बॉटम वेयर भी दे रखी है तो बात करते हैं नीचे वाले पोर्शन की तो नीचे वाला पोर्शन और फैब्रिक इसका जॉर्जट रहेगा ऐसे फॉक्स जॉर्जट जो होता है ना वो वाला जॉर्जट रहेगा और इस तरीके का सीक्वेंस का वर्क नीचे वाले पोर्शन में देखने को मिलेगा साथ में यहाँ पर आप देखोगे तो इस तरीके का आपको प्लेट्स देखने को मिलेंगी और लेंथ अगेन मैं बता चुकी हूँ बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी फोर्टीन समथिंग इसका प्राइस है तो इस के अकॉर्डिंग है है ना काफी अच्छा ये रहने वाला है। पे तो मैं इसकी रील डाल चुकी हूँ कि काफ़ी हिट हो चुकी है अगर आपको पसंद आए तो फटाक से परचेज कर लेना मैंने इसमें मीडियम साइज लिया था जो कि मेरे को बहुत ज्यादा सही आया था तो ये है हमारा इसका कुर्ता अब बात करते हैं इसके बॉटम वेयर की बॉटम वेयर बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत तीखा पिंक बोलते है ना इसे कैसा बोलते हैं वाला कलर है ऐसा फैब्रिक भी आप लगा लो उसे ठीक ठाक सा फैब्रिक है बॉटम वेयर का और इस तरीके का इलास्टिकेटेड आपको मिल जाएगा पोर्शन मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि इसको नहीं भी पहनोगे तो भी चल जाएगा बट स्टिल एक सिंपल सा बॉटम वेयर आपको दे रखा है पैंट स्टाइल में जो कि कहीं से भी आपको दिखेगा नहीं जिसकी हाइट लंबी ऑफकोर्स उसमें से तो पहनना पड़ेगा और ये वाला आपको मिलेगा बॉटम वेयर साथ में दुपट्टा दुपट्टा इसकी हाईलाइट है मतलब कुर्ता भी अपने आप में बहुत अच्छा लगने वाला है बट साथ में इसका दुपट्टा काफ़ी हैवी दे रखा है इस तरीके का क्या बोलूँगी मैं इस तरीके के स्क्वेयर जो पूरे के पूरे सीक्वेंस का वर्क के साथ दे रखे हैं और साथ में इस तरीके का जो दुपट्टा पे बॉर्डर पर ये वर्क दे रखा है ना ये काफ़ी ज़्यादा इसे प्यारा सा अच्छा सा लग रहा था लेंथ कई लोग बोल रहे हैं कि शॉर्ट लगी लेकिन लेंथ शॉर्ट नहीं है बहुत ही अच्छा सा लेंथ है प्रॉपर बहुत ज़्यादा लंबा भी यार संभाला नहीं जाता इतने ज़्यादा लंबे गाउन पे तो डिसेंट लेंथ लगी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा सा वर्क के साथ मिला कलर मेरे को वाइब्रेंट लगा था इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया और फिर देखा कि चलो उसका रिव्यू करते हैं बात करते हैं नेक्स्ट आइटम की जो कि एक पाकिस्तानी स्टाइल में कुर्ता सेट होने वाला है और जो पहनने के बाद इतना अच्छा लग रहा था इतना अमेजिंग क्वालिटी का लग रहा था ना इसमें तीन कलर्स अवेलेबल है वाइट कलर ब्लैक कलर एंड एक येलो है या पता नहीं कौन सा है वो कलर है और अभी दिखाती हूँ मैं आपको ये इस तरीके का मिलेगा पूरा का पूरा थ्रेड वर्क आपको मिलेगा पूरा पोर्शन पे फ्रंट वाले पोर्शन पे बैक आपको बिल्कुल प्लेन मिलेगी फैब्रिक अगेन इसका जॉर्जेट वाला रहने वाला है स्लीव्स आप देख लो इस तरीके का थ्रेड मिलेगा और साथ में इस तरीके की आपको बाउंड्री पर मिलेगी लटकन तो ओवरऑल है ना इसे पहनने के बाद मज़ा आ गया था देखने का बात ये है कि पीछे वाले पोर्शन में भी जो नीचे वाला पोर्शन है वो थ्रेड वर्क से भरा हुआ था तो ओवरऑल बहुत प्यारा सूट था बारह ट्वेल्व हंड्रेड के अराउंड है जिसका प्राइस रेंज होने वाला है बाकी मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे बात करते हैं बॉटम वेयर की बॉटम वेयर बहुत ज़्यादा ऐसे काफ़ी अच्छा सा फिट आया था मीडियम साइज़ मैंने इसका लिया था इलास्टिकेटेड है फैब्रिक भी काफ़ी ज़्यादा सही मेरे को लगा था पैंट स्टाइल में आपको मिल जाएगा बॉटम वेयर बिल्कुल सिंपल है क्योंकि कुर्ता काफ़ी ज़्यादा हैवी है तो उसके हिसाब से बॉटम वेयर दे रखी है तो पहनने के बाद बहुत एलिगेंट लग रहा था बात करते हैं दुपट्टा की जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हांस करता है इस तरीके का आपको बॉर्डर पर मिलेगा लेस वर्क और ये थ्रेड वर्क आपको पूरे के पूरा दुपट्टा में मिलेगा और साथ में ये है जॉर्जट का दुपट्टा तो थोड़ा सा संभालना मुश्किल होगा ऑफ कोर्स क्योंकि जॉर्जेट पे जॉर्जेट है बार बार में फिसल रहा था तो दो आइटम्स जो हैं वो मैंने पहले शूट कर लिए थे अभी हम चलते हैं हमारे कितने आइटम हो गए चार आइटम हो चुके हैं पांचवें आइटम पे चलते हैं जो कि अगेन एक पार्टी वेयर सूट होने वाला है आप लोग देख ही चुके होंगे कि जो इससे पहले वाला था पिंक कलर का जो कुर्ता सेट था अनारकली कुर्ता सेट वो भी पिंक कलर का था बट ये जो पिंक कलर ये वाला हल्के से डार्क शेड में आता है ये वाला भी इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा था तो मुझे लगा कि वह मंगा के तो देखना चाहिए कि इसमें सब क्या खासियत है तो इस तरीके का नेक की डिटेलिंग आप लोगों को मिल जाएगी मैंने साइज़ एल मंगाया था लूज़ था हल्का मतलब इस तरीके था कि मैं संभाल सकती हूँ इतना लूज वो वाला लूज था कि वो थ्री फोर्थ से थोड़ी कम लगी मुझे और थोड़ी सी फ्लेयर वाली जो स्लीव्स होती है ना यहाँ तक की वो वाली स्लीव्स थी सीक्वेंस का भरा हुआ काम था तो ऐसे न्यूली वेड जो होते हैं जिसको थोड़ा भरा भरा सा काम पसंद होता है जिसको कलर थोड़ा चटक पसंद होता है तो उनके लिए ये कुर्ता सेट बहुत ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है नीचे वाला पोर्शन आप लोग जब देखोगे ना तो यहाँ पर इसकी हाईलाइट्स मिल जाएगी आपको तो प्रॉपर जो लंबा लेंथ का कुर्ता होता है और नीचे इसके पैंट स्टाइल में जो बॉटम वेयर होती है उस तरीके का लुक आपको क्रिएट करेगा बात कर लेते हैं बॉटम वेयर की बॉटम वेयर का फैब्रिक बहुत ज़्यादा अमेजिंग दे रखा है कईयों में ऐसा होता है ना कि बॉटम वेयर बहुत गंदा सा दे देते हैं इसमें बॉटम वेयर की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगी नीचे वाला पोर्शन जब आप देखोगे तो आपको इस तरीके का मिलेगा डिटेलिंग ऐसा लगेगा कि पायल पहन रखी है आप लोगों ने तो हल्की से मुझे लंबी भी लग रही थी अपने ऊपर बट मैं फैक्ट्री हूँ आप लोग कोई लंबा है तो उसको बिल्कुल प्रॉपर हील्स पहनने के बाद चल जाता है कम वैसे वाला था इलास्टिकेटेड है और परफेक्टली फिटेड थी मुझे ये अब दुपट्टा की बात करते हैं तो दुपट्टा है नेट का अगेन और इस तरीके की बूटी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे दुपट्टा पे हैवी दुपट्टा है और ये वैसे वाला हैवी मतलब मैं नहीं बोल रही कि बहुत ज़्यादा वजन वाला है वैसे आपको लाइट भी लगेगा वजन वाइज क्योंकि नेट का है और इस तरीके का आपको सीक्वेंस का पूरा का पूरा वर्क मिलेगा कट आउट की डिटेलिंग के साथ आपको दुपट्टा मिलेगा तो अगेन इट इज़ नाइस परचेज आई विल से चलते हैं आज के हॉल के लास्ट आइटम पे उससे पहले मैं आप लोगों को बता दिया मैंने आप लोगों को कि ब्लैक कलर का मैंने एक चिकनकारी में कुर्ता सेट लिया था जॉर्जट पे तो वो तो मुझे मिला नहीं उसके बदले में मुझे सेम रिपीट में मतलब मेरे साथ ये हुआ कि ये जो कुर्ता सेट है ना मैंने ये जो वायरल पाकिस्तानी कुर्ता सेट है तो ये मैंने मंगाया और एक ब्लैक मंगाया तो मुझे बदले में ना ये दोनों के दोनों कुर्ता सेट सेम ही मिल गए तो ये वाला मजाक मेरे साथ हुआ है और मैं ऐसे बोलती थी कि मीशो ने अभी तक तो टच टचूल मेरे साथ किया नहीं है बट मीशो ने इस बार कर दिया मेरे साथ हल्का सा मुझे टाइट भी लगा ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ ना फिटिंग से पहले मैं क्वालिटी की बात कर लेती हूँ आप लोगों के साथ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अच्छे वाला जॉर्जेट जो होता है ना फॉक्स जॉर्जेट वो है आप देखोगे तो सफाई वाला काम भी आपको मिलेगा इस तरीके से क्लीन स्टिचिंग है इस तरीके का फ्रंट में लेसिंग मिलेगी इस तरीके का नेक आपको वी नेक मिलेगा ठीक है सारी चीज़ें परफेक्ट परफेक्ट मिलेगी आपको स्लीव्स आपको इस तरीके की मिलेगी थ्रेड वर्क है पूरा का पूरा इसे वाइब आएगी आपको जैसे पाकिस्तानी कुर्ता सेट की वैसे वैसे इसे वाइब आईगी मिल जाएगा वर्क और साथ में इन्होंने ना इस तरीके का बस एक गंद कर दिया कि ये जो आप इन्होंने इनर वेयर दिया ना वो कुछ इस तरीके का आ गया मुझे नहीं पता ये इसी पीस में आया यही हर पीस में इस तरीके का आएगा संतून वाला फैब्रिक है इसका तो ओवरऑल क्वाइट ऐसा मेरे को उसका कलर बड़ा प्यारा सा सूदिंग सा लगा क्वालिटी बहुत अमेजिंग लगी हल्का सा फिट में मुझे प्रॉब्लम आया ये वाला जो पोर्शन था मुझे हल्का सा टाइट था ऐसा मुझे मैंने फील किया अदर देन दैट ये बहुत ज़्यादा प्यारा क्यूट सा परचेज होने वाला है अंडर थाउजेंड इसका प्राइस आई गेस रहने वाला है तो किसी को पसंद आए तो वो परचेज़ कर सकता है फॉर श्योर sure. अब बात कर लेते हैं बॉटम वेयर की बॉटम वेयर जो है ना इसका कॉटन फैब्रिक में है और नीचे वाला जो पोर्शन है ना वो कुछ इस तरीके का जॉर्जेट वाले फैब्रिक में दे रखा है अलग सा डिटेलिंग आउट की डिटेलिंग के साथ और कॉटन का फैब्रिक है ऐसे विजिबल तो नहीं रहेगा फॉर श्योर sure. वॉश करने के बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है ना इकट्ठा हो जाता है फैब्रिक और इलास्टिकेटेड वेस्ट है फिटिंग ठीक थी बहुत ज़्यादा वाओ फिटिंग नहीं लगी मुझे ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना इसके कुर्ता की और इसके बॉटम वेयर दोनों की ही कि डिसेंट थी बट इससे बेटर बेटर फिटिंग के मीशो से कुर्ता सेट मैंने लिए हुए हैं क्योंकि इसका कलर और इसका फैब्रिक और इसका जो वर्क है काफ़ी क्लीन है तो मैं इसको फिर भी टेन में से एट पॉइंट फाइव या नाइन तक तो मैं इसको स्टार दे ही सकती हूँ मेरे को ओवरऑल अच्छा लगा और अब बात करते हैं दुपट्टा कि दुपट्टा का फैब्रिक इतना ज़्यादा स्लिपरी था क्योंकि जॉर्जट पे जॉर्ज वैसे तो ऐसा निकल रहा था बार बार में आप वीडियो में भी देख सकते हो दुपट्टा बहुत ज़्यादा प्लेन है इस तरीके की कटआउट की डिटेलिंग के साथ आपको मिल जाएगा हल्का सा थ्रेड वर्क आपको साइड में मिल जाएगा बहुत ही डिसेंट सा अच्छा सा लुक क्रिएट करने के लिए ये वाला कुर्ता सेट हो सकता है पसंद आए तो फटाख से ऑर्डर कर लेना रीज़न आउट ऑफ स्टॉक जल्दी हो जाते हैं हर मीशो पर तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपको क्या है? करना है लाइक करना है सब्सक्राइब करना है शेयर है लेते हैं अगले वीडियो में टिल देन बाय बाय